सुनो कहा, सुनाओ कहा ना प्रेम क्या होता है कहा। है। तुमको नहीं पता प्रेमदा की मिठाई की दुकान ठहरी पर? तुम ना रोज सपनों में क्यों आ जाते हो कहा। छी, मैं तो कहीं आती जाती ही नहीं हूं, तुम ही हो गए आवारा। नो, एक बात कहूं, छी, कहो कहा। तुम ना मेरी कुट्टी पाई हो। उजा, तुम उससे कुट्टी क्यों हो रहे हो कहा? तुम्हारे समझ में मेरी दिल की बात क्यों नहीं आती है कहा। मैंने तो ना दिल देखा ना दिल्ली देखा, मैंने तो अपना सीधा साधा परवा देखा। सुनो, मैं ना काका के साथ अल्मोड़ा आ रहा था ना, तुमसे भी मिलने आऊंगा कहा। उजा है काका, परोली के वहां भी चलो कहा। अरे छोड़ यार, वहां का जैसे खचखच यार, खाली एल का जाने में वहां खाली। काका चलो ना, उसको चॉकलेट और बाल भी पसंद है, चलो ना। यार तू खचखच, चल हिट पाई कांडबाल जी दुकान पर ले लो, कांडबाल स्वीट हाउस बना, बढ़िया मिठाई मिली यहाँ, यही वो ले लेना। ठीक दीदी, बिंजू तो बहुत ही गौरफनार है यार। छी, नजर मत लगा यार उनको। साल की नजर कहाँ लगती है बिंजू को, मैं तो लेसुन की रोटी और पालक के साग से करूंगी बिंजू का स्वागत। हाँ, काम धंधा क्या क्या हुआ फिर तुम्हारा? एक गाय है फिर, और थोड़ी खेती पाती हुई। गाय दूध देती होगी फिर? ना, बियर देती है। बियर? क्या? नहीं, ऐसा है ना, एक ही टाइम देती है कहा गाय दूध, बेर बेरे दे देती है ब्याह को। दूध दही तो कम ही हुआ फिर तुम्हारा? अब बाबू कह रहे थे फिर शादी हो जाएगी तो एक भैंस खरीद लाएंगे, और फिर दूध दही की धन मन हो जाएगी। भैंस का तो बहुत ही काम हुआ, एक टाइम पे एक डाला ही गोबर कर देने वाले। वो हमारी परोली भी हर काम में एक्सपर्ट है। तो फिर असोज में काम वाले लगाते हो गया? अरे नहीं कहा, हमारा परवा सब समेल लेता है। अरे हमारी परोली भी सब समेल लेती है। अच्छा? ये भी कोई कहने की बात हुई? अच्छा, ठीक भाई, ठीक भाई, ठीक होने वाला। परोली ने तो कोई काम ही नहीं किया ठहरा हमारी। हाथ खुद तो धो लेती होगी अपने। तुम भी क्या मजाक करते हो, शुरू किसने किया फिर? क्या? हमारी एक ही मांग है, लड़का गुटखा खाने वाला ना हो। अरे परवा तो हमारा बहुत ही सीधा ठहरा, जलेबी जैसा। अरे जलेबी तो बहुत ही अच्छी लगती होगी जमाए को अल्मोड़े की। बहुत ही अच्छी लगती है कहा अल्मोड़े की जलेबी। और बाल तुम्हारे घर में जुए हो रहे हैं क्या? ये ना कहा, डैंडरफ हो रहा है। बाल तो मैं आज ही शैम्पू से धो के लाया था। क्या? अरे नहीं, बाल मिठाई करा, बहुत ही पसंद है परवा को। बाल मिठाई बहुत ही पसंद है इसको, जलेबी के साथ साथ। काका परोली नहीं दिखाई दे रही है कहा, पूछो तो जरा इनसे। अरे है जल यार, बात करने दे पहले तू, कच 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 बीच में करता है। अपना तो तुम संजनी के साथ गप्पो में लग रहे हो, परोली के बारे में नहीं पूछ रहे हो। अरे हो जाएगा को, परोली अब हो तो गया, हो जाएगी बात। ऐसा है ना, मैं थोड़ा सा बाहर आता हूँ ना, कुछ काम था, मैं थोड़ा घूम आता हूँ। हाँ अभी आता हूँ, आप लोग करो बातचीत। हाँ ठीक है, ठीक है, आप घूम आओ। ठीक है, आता हूँ। हाँ ठीक है, ठीक है। अच्छा और सुनाओ, कहरी हाल चाल, धिनाई पानी कैसे तुम्हें? साली जी, आपका नाम क्या हुआ कहा? सरला हुआ कहा। मैं तो ना सरूली कहूँगा। छी, ज्यादा एक्टिंग मत दिखाओ।
सरलाई के ना सरुली ज्यादा मीठा लग रहा है कहा ज्यादा मीठे से ना शुगर हो जाता है कहा तो शुगर को कंट्रोल कर लेंगे तो चीनी भी तो कंट्रोल में ही मिलने वाली हुई उससे शुगर और बढ़ जाएगा अच्छा जीजू ये तो बताओ शादी के बाद कहाँ ले जाओगे दीदी को घुमाने कसार देवी ले जाऊंगा और कहाँ ले जाऊंगा ज्यादा एक्टिंग मत दिखाओ कहा गोवा ले जाना गोवा क्यों ले जाऊंगा जब हमारे पहाड़ में एक से एक सुंदर स्थान है तो कसार देवी तो रोज जाने वाले हुए हम तो कोई बात नहीं फिर रानीखेत का गोल्फ दिखाऊंगा कोसानी का सूर्य अस्त और बैजनाथ की मछलियाँ मस्त दिखाऊंगा छी कुछ ज्यादा एक्टिंग दिखा रहे हो तुम तो जीजू जीजू लगा रखी है भिंजू जो कहती बड़ी एडवांस हो रही हो ये दो दो चुटिया और ड्रेस से ना गवार मत समझना हमें ये तो संस्कृति है हमारी एडवांस में तो हम जैसे तैसे शहरियों को भी पीछे छोड़ दें ये सालियां कितनी चटपटी होती हैं कहा एक परुली है वो बोलती ही नहीं है अच्छा ज्यादा एक्टिंग मत दिखाओ तुम दोनों की बातों ने तो पूरा पहाड़ हिला रखा है परुली नहीं दिखाई दे रही है कहा अच्छा मेरे से बात करने का मन नहीं है क्या नहीं मैं कह रहा था परुली के भी दर्शन हो जाते तो एक ही शर्त पे बताऊंगी क्या करना है अल्मोड़ा की बाजार घुमाना है जलेबी खिलानी है नहीं स्टेटस पे मेरी भी फोटो लगाओगे और लिखोगे मेरी प्यारी साली मुझे ना भट से मैं स्टेटस लगाना नहीं आता है कहा ज्यादा एक्टिंग मत दिखाओ हाँ परसों तो तुमने दीदी की फोटो लगाई थी और लिखा था मेरी प्यारी परुली आई लव यू आई लव यू मैंने कब लिखा था आई लव यू अब तो बता दो परुली कहाँ है कहा सॉरी जीजू आज तक तो साली से ही गप मारनी पड़ेगी वो तो गई है नैनीताल क्या वो ना नैनीताल में हमारे दादा भाभी रहते हैं कहा वो भाभी को ना घुघुते बनाने नहीं आते हैं तो वो ना सिखाने गई है अच्छा ये बताओ तो ये नैनीताल के लिए रोडवेज कितने बजे जाती है अच्छा ज्यादा एक्टिंग मत दिखाओ कहा आज तो आप अपने साली के हाथ की भूख लगी लेसु की रोटी खा के जाओगे हाँ फिर मैं परुली से कब मिलूंगा